भगवान राम की नगरी अयोध्या में शरारती तत्वों के द्वारा लगातार माहौल खराब किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां दो दिन पहले कई मस्जिदों पर आपत्तिजनक वस्तुएं फेंकी गई थीं, तो वहीं अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है, जिसके बाद अम्बेडकर समाज के लोगों में आक्रोश था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ तहरीर देकर जांच शुरू की है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को बदलवाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद अम्बेडकर समाज के लोग मांग गए। बसपा नेता अजय आजाद ने बताया कि मूर्ति शरारती तत्वों के द्वारा खंडित की गई, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए तहरीर दी गई है। जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन को नई मूर्ति लगाने का फैसला भी किया है। लगभग 5 बजे के जो सूचना मिली लोकल लोगों द्वारा, जलवानपुरा स्थित डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति खंडित कर दी गई कुछ शरारती तत्वों द्वारा। यहां पर आकर जो है जिला प्रशासन शासन पर पुलिस प्रशासन से बात की गई। बात करने के उपरांत गणमान्य लोगों द्वारा तय किया गया कि मूर्ति तो खंडित हुई है, इस नाते अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है मुकदमा लिखने के लिए, और जिला प्रशासन ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए नई मूर्ति लगवाने का फैसला किया। और इसमें सभी लोग राजी रहे, क्योंकि रात में अभी मूर्ति थोड़ी देर बाद नई मूर्ति हरैया से मंगाई गई है, बौद्ध विहार वहीं पर है, तो नई अच्छी मूर्ति, उससे भी अच्छी मूर्ति एक लगाई जाएगी अम्बेडकर जी की। और मामला यहाँ पे लगभग शांत है, और हम लोग ये मांग करते हैं कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। मोहल्ला जलवानपुरा अम्बेडकर सेवा समिति ट्रस्ट, और जो कि यहाँ पे हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती विगत कई 25-30 सालों से मनाते आ रहे हैं, जो कि अभी 4:30 से 5 के लगभग में हम लोग को सूचना मिली कि बाबा साहब की मूर्ति खंडित हो गई है, उनके हाथ उंगली जो है वो तोड़ दिया गया है अज्ञात लोगों के द्वारा, जिससे हम लोग एक तहरीर भी दी।